हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी आर मोस्टली बींग मैन्युफैक्चर बाय द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। तो कृषि मशीनों का निर्माण ज़्यादातर लघु निर्माण के द्वारा किया जा रहा है। एंड टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इज द ओनली सॉल्यूशन टू मेक ए मैन्युफैक्चरर क्लियर अबाउट परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर और एफिशियंट यूटिलाइजेशन। उचित उपयोग के लिए इक्विपमेंट के प्रदर्शन और दायित्वों के बारे में निर्माताओं को स्पष्ट करने के लिए कृषि का परीक्षण एकमात्र समाधान है। देन इट आल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू फार्मर फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। ये किसानों के आवश्यक उपकरण के उचित चयन के लिए शिक्षा दिया जा रहा है। देन डेफिनेशन। टेस्टिंग इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ मशीन व्हेन कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कोड और नॉर्म अंडर आइडियल एंड रिपीटेबल कंडीशन। आदर्श और दोहराने योग्य परिस्थितियों में उस कोड के तुलना में परीक्षण को मशीन के व्यवचार के लिए विश्लेषण का रूप में परिभाषित किया गया है। ऑन दी अदर हैंड इवोल्यूशन इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अंडर एक्चुअल फील्ड और वर्किंग कंडीशन। अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। सो टेस्टिंग ऑफ ए मशीन मीन्स सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी पावर रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी बाय रनिंग द टेस्ट अंडर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन इन द लैबोरेटरी एंड फील्ड। So testing is useful for all these stakeholders like manufacturers, consumer or farmer, exporter, export inspection agency as well. Then how testing is important for manufacturer? So streamlining of production processes and introduction of quality control system, first point here. Second point, independent audit of quality control system by BIS. Third is reaping of production economy accruing from standardization. Fourth one is better image of product in the market, both internal and overseas. Fifth is winning of wholesalers, retailer and stockist consumer confidence and goodwill. Then preference of standard market product by organized purchaser, agency of central and state government, local bodies, public and private sector undertaking, etc. Some organized purchases offer even higher price of standard marketed good. So financial incentive offered by the Industrial Development Bank of India, which is IDBI and Nationalized Bank, to know where his machine stand in comparison with similar type of machine in the market, and he can improve his product. It enables him to add more information to the technical literature relating to the machine. अभी बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? तो कन्फर्मिटी विथ इंडियन स्टैंडर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल नेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये कंज्यूमर। देन इट हेल्प्स इन चूजिंग ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इट फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मार्केट प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ द बिलो ए बींग फाउंड टू बी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी and protection from exploitation and deception, and its assurance of safety against hazard to life and property. Consumer is also the knowledge of the comparative performance of similar type of machine will help the user to choose an appropriate machine to his requirement at the lowest cost. अभी बात करते हैं organized purchaser. Organized purchaser means convenient basis for concluding contracts, eliminating of the need of inspection and testing of good purchasing, saving time
लेबर एंड मनी, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद स्टैंडर्ड में मार्क फाउंड टू बी सब स्टैंडर्ड। देन बात करते हैं एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एग्जम्पशन फ्रॉम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन वेयर एवर आर एडमिसेबल। देन कन्वीनियंट बेसिस फॉर कंक्लूडिंग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन अथॉरिटी क्या है? इट इज़ एलिमिनेटिंग ऑफ द नीड फॉर एग्जॉस्टिव इंस्पेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री, सेविंग एक्सपेंडिचर टाइम एंड लेबर। एंड दिस इज द मेजर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सेंटर इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल मशीन व्हिच इज सिचुएटेड हिसार, हरियाणा स्टेट। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी बट सी एफ एम टी टी आई बुद एंड बुदनी इज इन्वॉल्व इन ट्रैक्टर टेस्टिंग एज ए मेन अथॉरिटी इन इंडिया। बुदनी भी एक मेजर टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन सेंटर इन इंडिया। सो सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुदनी विच इज सिचुएटेड मध्य प्रदेश। एंड नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हिसार, हरियाणा। दिस टू फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर द मेजर टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन सेंटर इन इंडिया। एंड सम कॉमन इंस्टीट्यूट आर साउदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अनंतपुर विच इज सिचुएटेड आंध्र प्रदेश स्टेट। ईस्टर्न रीजन फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट विश्वनाथ चारियली डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर, ये आसाम पे है। देन बी आई एस टेस्टिंग लेबोरेटरी शहीबाबाद उत्तर प्रदेश। देन बी आई एस सेंटर ऑफ ट्रैक्टर पावर टिलर डीजल इंजिन इलेक्ट्रिक मोटर इरीगेशन पम्प। देन बात करते हैं आई सी आर इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर कर्नाटक। देन रेगुलेशन फॉर टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी दीज आर कैटेगोराइज बाई टू। देन टू कैटेगोरीज ऑफ टेस्ट नेमली कमर्शियल एंड कॉन्फिडेंशियल। तो कमर्शियल टेस्ट क्या है? कमर्शियल टेस्ट आर फॉर इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन दैट आर इन और रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमर्शियल टेस्ट विल बी अंडरटेकन। इनिशियल कमर्शियल, कमर्शियल टेस्ट ऑन इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड प्रोटोटाइप मशीन रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। देन बैच टेस्ट ऑन मशीन व्हिच हैव ऑलरेडी अंडरगॉन इनिशियल कमर्शियल टेस्ट एंड आर बीइंग मैन्युफैक्चर कमर्शियली इन द कंट्री। टेस्ट इन अकॉर्डेंस विथ ओईसीडी स्टैंडर्ड टेस्ट कोर्स शैल बी अंडरटेकन ऑन द मशीन इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और एप्लीकेंट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। एंड कॉन्फिडेंशियल टेस्ट आर फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन वेदर रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन और नॉट और टू प्रोवाइड एनी स्पेशल डाटा दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और एप्लीकेंट। एंड टॉक अबाउट सम टेस्टिंग फी। दिस इज द नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड हिसार, हरियाणा। दिस इलेवन मशीन्स आर द फी स्ट्रक्चर। देर हैव टेस्ट फी जीएसटी ये 2019-20 एंड दिस 2020-21। देन कंपोनेंट्स इज 14,053 जीएसटी चार्ज इज जीरो। देन टेस्ट फी 2020-21 पे टेस्ट फी था 16,161, इसका भी जीएसटी जीरो था। सो एज यू रीड फ्रॉम हियर देन फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर सी ए टी ओ यू टी व्हिच इज सिचुएटेड इन ओडिशा। देन कंपोनेंट्स व्हिच इज टेस्टिंग चार्ज इज 14,046 जीएसटी इज 18%। बहुत ज़्यादा है जीएसटी। तो टोटल इज 16,574। देन हैंड टूल की बात करने वाले हैं तो हैंड टूल
का टेस्टिंग चार्ज है 14,046, इसका भी GST 18% है, तो टोटल 16,574। सो दिस यू कैन, सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी के बारे में। अगर ये आप लोग को अच्छी तरह पढ़ना होगा। सो वीडियो पे कुछ डाउट है तो कमेंट पे बताना, और मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।